Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture 51, and in this lecture we are going to look at what are phrase structure rules. So it is a short lecture but very important lecture at the same time. So let's start. Phrase structure rules. So hame ye lafaz se hi maloom ho chuka hai ke phrase ka jo structure kis tarah banta hai, kisi bhi phrase ka structure ya koi bhi phrase kis tarah ban sakti hai, uske hum rules dekhne ja rahe hain. To rules stating that the structure of a phrase of a specific type consists of one or more constituents in a particular order. ठीक है कि phrase structure rules हमें ये बताते हैं कि एक phrase और उसकी जो specific type है वो वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर मुश्तमिल होती है इन अ पार्टिकुलर आर्डर. ज़ाहिर है एक जो फ्रेज़ होती है उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. नाउन फ्रेज़ है तो उसमें वर्ब भी आ जाता है, यानी वर्ब फ्रेज़ भी पूरी आ जाती है, या आम तौर पर उसमें आर्टिकल और नाउन, या आर्टिकल और एडजेक्टिव और नाउन, या फिर प्रॉपर नाउन या फिर प्रोनाउन. तो ये उसके मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे मज़ीद चीज़ें के ट्री डायग्राम फंक्शन. ठीक है, ज़ाहिर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में हम ट्री डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो फॉर एवरी सिंपल स्ट्रक्चर वी कैन ड्रॉ अ ट्री डायग्राम. हमें पता है कि हम हर स्ट्रक्चर के लिए एक ट्री डायग्राम बना सकते हैं. एंड अल्टरनेटिव व्यू इज़ डैट ट्री डायग्राम इज़ डायनामिक एंड दैट विद वन स्ट्रक्चर इन ट्री डायग्राम वी कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ अदर सेंटेंसेज विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, और एक व्यू ये भी है कि जो ट्री डायग्राम एक डायनामिक चीज़ है, या डायनामिक का मतलब होता है मूविंग. ठीक है ना, या और इसका उलट होता है स्टैटिक. एंड दैट विद वन स्ट्रक्चर इन ट्री डायग्राम वी कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ अदर सेंटेंसेस विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये किस तरह के ज़ाहिर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इधर मैंने एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश किया, ये आपको ये जो ए आर टी है, सॉरी ये आर्टिकल है और ये नाउन है. तो इस तरह हम आमतौर पर ट्री डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, अब ये हमने ट्री डायग्राम फॉर एग्जांपल बनाई, और इस ट्री डायग्राम ने हमें ये बताया कि जो नाउन फ्रेज है उसमें आर्टिकल भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है. ठीक है, जिसे हम कहते थे कि इसको हमने कहा था री राइट्स एज. तो अब इस वजह से हमें ये पता चल गया कि अब ये जो हमारे पास एक रूल आ गया कि नाउन फ्रेज में आर्टिकल और नाउन आ सकता है, तो अब हम इससे काफ़ी ज़्यादा जो क्या कहते हैं फ्रेजेस बना सकते हैं. दिस अल्टरनेटिव व्यू सजेस्ट डैट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स. ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स, और हम कह सकते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, वी कैन फॉर्म इनफिनिट सेंटेंसेस. कि हमें थोड़े से फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जानने की ज़रूरत है जिसके वजह से हम इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इसे ही हम कह सकते हैं कि ये भी एक जनरेटिव ग्रामर का एक हिस्सा है. ठीक है, तो अब आगे हम इसी चीज़ को मज़ीद देखते हैं. द स्टडी ऑफ लैंग्वेज से मैंने ये दोनों पिक्चर्स ली हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम बनाते हैं ट्री डायग्राम. ठीक है, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कह दिया द कैट. ठीक है, तो अब आपके पास एक रूल आ गया कि नाउन फ्रेज में आर्टिकल हो सकता है और नाउन हो सकता है, तो लिहाजा अब आप बेशुमार बना सकते हैं. द बुक, द लैपटॉप. ठीक है, और इसी तरह द डोर. आप मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं इससे, यानी और काफ़ी ज़्यादा फ्रेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, अब जो फ्रेज स्ट्रक्चर में जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट में नाउन फ्रेज हो सकता है और वर्ब फ्रेज. दरअसल ये भी उसी चीज़ को बता रहा है कि अब हमें रूल पता चल गया कि एक सेंटेंस में नाउन फ्रेज आ सकता है और वर्ब फ्रेज आ सकता है, तो लिहाजा हम इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं मुख्तलिफ नाउन फ्रेजेस और वर्ब फ्रेजेस को यूज़ करके. इसी तरह नाउन फ्रेज में अब क्या क्या हो सकता है, हमने ये लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी, इसे कर्ली ब्रैकेट्स या फिर इसे ब्रेसिस भी कहते हैं, कि इनके अंदर जो मौजूद चीज़ें आती हैं उनमें से एक चीज़ हमारे नाउन फ्रेज में आ सकती है. आर्टिकल आ सकता है तो साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहेंगे द स्मॉल डॉग. ठीक है, आर्टिकल और नाउन. ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसके साथ प्रोनाउन भी आ जाए, ये नामुमकिन है कि द स्मॉल डॉग, और डॉग के लिए अगर हम इट यूज़ करें या ही यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे, द स्मॉल ही डॉग, द स्मॉल इट डॉग, तो ये नहीं हो सकता. और इसी तरह हम प्रॉपर नाउन भी इकट्ठा नहीं यूज़ कर सकते. आर्टिकल और नाउन तो यूज़ हम कर लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं हम
जो आर्टिकल और प्रॉपर नाउन नहीं इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम आर्टिकल और प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ना हम द ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स का जो काम था इधर। फिर वर्ब फ्रेज में जो स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स हमें ये बताता है कि वर्ब आ सकता है, यानी वर्ब नेसेसरी है और उसके साथ नाउन फ्रेज, ठीक है। और इसी तरह उसके साथ प्रपोजिशनल फ्रेज भी आ सकती है ऑप्शनली, और एडवर्ब फ्रेज भी आ सकती है। जाहिर अगर तो वर्ब फ्रेज में जो एनपी तब आएगा जब हमारा जो वर्ब है वो फाइनाइट होता है, ठीक है। आपको पता है फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो जाहिर है जब फाइनाइट वर्ब होगा तो उसके लिए नाउन फ्रेज आएगी, अदरवाइज एज अ सिंगल वर्ड भी हम फिर कंसीडर हमें करना पड़ जाती है वर्ब फ्रेज। आमतौर पर इस तरह हम नहीं लेते, लेकिन कभी कभी हमें सिंगल वर्ड को भी फ्रेज कंसीडर करना पड़ जाता है, तो उस लिहाज से फिर वीपी में सिर्फ वी भी आ सकती है, लेकिन आमतौर पे वी और एनपी ही मौजूद रहेगी। और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ में हम जानते हैं कि प्रेपोजिशनल तो नेसेसरी है, और इसी तरह नाउन फ्रेज भी इसमें नेसेसरी है। आप सिर्फ ये नहीं हो सकता द बुक इज़ ऑन, ये तो नहीं होगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल होगा, कंप्लीट फ्रेज आएगी, ठीक है। तो ये हैं वो रूल्स, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के, जिनके ज़रिए हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेजेस बना सकते हैं इनको जहन में रख के, और अगर हम कोशिश करें इन्हें हम अपनी लैंग्वेज में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज में जो काम हो रहा है वो इस तरह होने लग जाए, ठीक है। तो रूल्स हमने देख चुके हैं। अब ये है कि अगर आपको ये पूछा जाए कि इस रूल आपने कह दिया कि जो सेंटेंस है उसमें एनपी और वीपी, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे इस तरह हम लिखते हैं कि ए सेंटेंस री राइट्स एज अ नाउन फ्रेज एंड अ वर्ब फ्रेज। ये आप उधर बुक से भी देख सकते हैं। इसी तरह नाउन फ्रेज में कि अ नाउन फ्रेज री राइट्स एज आइदर एन आर्टिकल प्लस एन ऑप्शनल एडजेक्टिव, ठीक है, वही बात है, प्लस अ नाउन, ठीक है, द स्मॉल डॉग वाली एग्जाम्पल ले लें, और अ प्रोनाउन या सिर्फ प्रोनाउन यूज़ होगा, और अ प्रॉपर नाउन या फिर सिर्फ प्रॉपर नाउन यूज़ होगा, या ये यूज़ हो सकता है एक नाउन फ्रेज में, या ये, और या फिर ये वाली चीज़, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं कभी यूज़ होंगी, या दो चीज़ें इकट्ठी नहीं यूज़ होंगी। इसी तरह वर्ब फ्रेज में भी हम इसी तरह लिख सकते हैं कि अ वर्ब फ्रेज री राइट्स एज अ कंपल्सरी वर्ब एंड नाउन फ्रेज प्लस एन ऑप्शनल प्लस एन ऑप्शनल प्रपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब। इसी तरह प्रपोजिशनल फ्रेज कैन बी रिटन एज अ प्रपोजिशन प्लस अ नाउन फ्रेज, ठीक है, री राइट्स एज, हम इस तरह लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है द बिग कैट इज़ लुकिंग क्वाइट डेंजरस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसे लेबल करना है वर्ड लेवल पर, जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में अगर हमने ट्री डायग्राम बनानी, तो सबसे पहले जो आसान तरीका है, ठीक है, तो जो डेंजरस है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। जो क्वाइट है, जो QUIET होता है, उसका मतलब तो खामोश, वो तो नाउन है, और ये वाला क्वाइट हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। लुकिंग हमारे पास जाहिर है क्या होगा, वर्ब, ठीक है, और इसे भी हम वर्ब भी कह सकते हैं और ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं, यानी एज अ हेल्पिंग वर्ब जो आता है इज़ लुकिंग। कैट हमारे पास नाउन आ गया, ठीक है। बिग हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है, पहले हम वर्ड कैटेगरी के लिहाज से कर रहे हैं, और द हमारे पास आर्टिकल है। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आप वो लेक्चर देख भी सकते हैं अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, ठीक है। अब मैंने कहा था कि सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम आखिर से लेके चलें, ठीक है, हम आखिर से ये देखें कि कौन सी फ्रेज़, हमने सबसे पहले छोटी फ्रेज़ को देखना है। ये तो हमें पता है कि एक एक सेंटेंस में वर्ब फ्रेज़ और नाउन फ्रेज़ होती है, ठीक है, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि हम आखिर से देखें कि उसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको इधर तो नज़र आ रहा है लुकिंग क्वाइट डेंजरस, ठीक है, और या इज़ लुकिंग क्वाइट डेंजरस, तो आपको पता है इज़ लुकिंग तो वर्ब में ही आ जाएगा, ठीक है, और द बिग कैट आपको पता है नाउन फ्रेज में आ जाएगा। लेकिन हम अब इस तरह करते हैं कि क्वाइट एडवर्ब है तो डेंजरस एडजेक्टिव है, ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं इसे, और करना भी चाहिए। सबसे पहले आपने छोटी फ्रेज़ को ढूंढना है, ये तो आप वर्ब को तो अभी अलग-अलग रखें ना आप, तो हम इसे कह देंगे कि ये
एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है, ये नहीं कि सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज या होगी, एडवर्ब फ्रेज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब पहले आ रहा है और एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, बिल्कुल आखिर में, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा बन गया था पूरा वर्ब, इसे हम इस तरह करने की ज़रूरत तो नहीं है हमें, तो इस पूरे को ही हम वर्ब कंसीडर कर सकते हैं, इस यानी इज़ लुकिंग को ना हम इस तरह भी कर सकते हैं। एक मिनट, कि हम इसे ना इधर से अगर हम ये इरेज़ कर दें ऑक्सिलरी और ये वर्ब, तो अब हम और मैं ये भी इरेज़ ही कर देते हैं, तो अब हम इस पूरे को ना इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये पूरा हमारे पास क्या आ गया, वर्ब, ठीक है। और अब हम इधर भी, ये भी हमारा काम ख़त्म हो गया, अभी हम इसे मज़ीद आगे करते हैं, और द बिग कैट, ठीक है। अब बिग कैट में देखें, अगर द बिग कैट को लेंगे तो ये तो एक नाउन फ्रेज है, हमें पता है कि इसमें नाउन आ रहा है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव फ्रेज भी बनती है, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी ए डी जे एडजेक्टिव और पी एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। और अब हम आते हैं बड़ी फ्रेजेस पे, ठीक है, और द बिग कैट ये पूरी हमारे पास हो जाएगी एन पी, ठीक है, नाउन फ्रेज। और ये क्योंकि हमने, हमें ये भी पता कि एक तो नाउन फ्रेज होती है, और ना जब वर्ब शुरू हो जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो वर्ब के बाद आने वाली हर फ्रेज असल में वर्ब फ्रेज का ही हिस्सा होगी हमारे पास, क्योंकि हमने देखा था कि वर्ब फ्रेज में जो है नाउन फ्रेज भी शामिल हो रही थी, ठीक है। तो अब हम इसे कर देंगे कि ये हमारी हो गई वर्ब फ्रेज, ठीक है, और इन दोनों को मिला के हमारा पूरा बन गया सेंटेंस, ठीक है, ये एग्जांपल। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैरी न्यू हर फ्रेंड वेरी वेल, ठीक है, तो ये थोड़ी आसान ही है, ठीक है, वेरी वेल, तो जो वेल है वो इधर आ रहा है एज एन एडवर्ब, ठीक है ना, क्योंकि इधर ये मैनर को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो वेरी है वो हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, फ्रेंड जो है वो नाउन आ रहा है, हर जो है वो प्रोनाउन आ रहा है पी आर ओ, और न्यू जो है हमारे पास वर्ब आ रहा है, और मैरी जो है हमारे पास नाउन, ठीक है, मैरी न्यू हर फ्रेंड वेरी वेल, ठीक है। तो अब हम इसे भी उसी तरह करेंगे कि आपको इधर नज़र आ रहा है कि मैरी जो है वो नाउन है, और उसके पास सारा प्रेडिकेटर शुरू हो गया, न्यू हर फ्रेंड वेरी वेल, ठीक है। तो जाहिर है यही हमारी जो है वो एन पी भी बन चुकी है, ठीक है। अब हम दूसरी उनको देख लेते हैं, क्या कहते हैं, छोटी जो फ्रेजेस बन रही हैं, ठीक है। इधर अब हम सब वेरी वेल आते हैं, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब बन रहा है, तो हम इन दोनों को कहेंगे कि ए डी जे पी एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। और आगे हमारे पास एक वो आ रहा है हर फ्रेंड, यानी हम इसे पूरे को नाउन में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, या अगर आप इस तरह इसे करना चाहें, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, प्रोनाउन फ्रेज इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हर फ्रेंड वेरी वेल, ठीक है ना, तो क्योंकि इसमें प्रोनाउन फ्रेज आ रही है और आगे इसके एडजेक्टिव फ्रेज आ रही है, तो हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि ये पूरी हमारे पास आ गई एक एन पी, ठीक है। और आगे आगे हमारे पास वर्ब, तो वर्ब का ही सारा हिस्सा है, वर्ब में हम जानते हैं एन पी आती है, तो ये हमारे पास होगी वी पी, ठीक है, और वी पी और एन पी को मिला के हमारे पास बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए। इसमें हम एक और मज़ीद चीज़ ये भी कर सकते थे कि हम प्रोनाउन फ्रेज से ही क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव फ्रेज निकाल देते, लेकिन ये तरीका भी ठीक है, इस तरह भी आपका गलत नहीं होगा। असल में मेन मकसद है कि आपको पता हो कि वर्ड कैटेगरी क्या है और उसे आपने किस तरह से उसकी डायग्राम बनानी है। अब हम एक और देखते हैं, द लायन, ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, द लायन इज़ रोरिंग मिनानसिंगली, मिनानसिंगली का मतलब होता है डेंजरसली, तो मिनानसिंगली एडवर्ब है, कई एडवर्ब की निशानी होती है कि उनके आखिर पे एल वाई होता है, लेकिन कुछ के आखिर पे नहीं भी होता है, जैसे फास्ट है तो फास्टली कुछ भी नहीं है, फास्ट एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है, एज एन एडवर्ब भी, लेकिन ये उसके यूज़ पे मुनहसिर होगा।
इज रोरिंग, तो को हम फिर पूरा वर्ब कंसीडर कर लेते हैं। उस तरह भी कर सकते हैं कि पहले ऑक्सिलरी और में वर्ब करके फिर उसे आप वर्ब करें, ठीक है। और द लाइन में लाइन जो है वो नाउन है और द जो है वो आर्टिकल है हमारे पास, ठीक है। तो ज़ाहिर है एडवर्ब अकेला है, इसे एडवर्ब फ्रेज तो नहीं हम कह सकते इधर। तो ये मिला के हो गया हमारे पास वीपी, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हमारे पास आ गया एनपी द लाइन, और इन दोनों को मिला के हमारे पास आ गया सेंटेंस। तो ये थी तीन एग्जांपल्स और ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आप इन चीज़ों को मज़ीद सीख लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा व्हाट आर लेक्सिकल रूल्स। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। सो रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकअल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।